Hello, and I welcome you all to Topic Study YouTube channel. So let's start the daily current affairs of 16 of November. And एक बात बता दूँ इससे स्टार्ट करने के पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहाँ सब्सक्राइब रेड कलर में एक सब्सक्राइब लिखा है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो. अदरवाइज वहाँ एक बेल आइकन होगी, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल जाएंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च यूनिसेफ अटल टिंकरिंग लैब हैकथॉन टू कॉमरेट चिल्ड्रंस डे. देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि चिल्ड्रंस डे को मनाने के लिए, ठीक है, एक तो आपके नीति आयोग हो गए और एक दूसरे हो गए, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों ने मिलकर एक यूनिसेफ अटल टिंकरिंग लैब हैकथॉन को लॉन्च किया है. तो ये है आपकी यूनिसेफ खुद, तो योर ऑप्शन इज ए, नाम में ही है इनका नाम. तो ये समझ लीजिए कि नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर ये अटल टिंकरिंग है लैब हैकथॉन इन्होंने लॉन्च किया था ताकि चिल्ड्रन डे को सेलिब्रेट किया जाए. ये चाहते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित की जाए नई खोज के तरफ, ठीक है, नवाचार के तरफ. तो बस ये से ध्यान रखना है कि यूनिसेफ है, योर ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर महेश शर्मा एट विच प्लेस. इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं महेश शर्मा जी के द्वारा किस राज्य में जो 38वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ उसे उसका उद्घाटन किया गया है. तो ये दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में. तो योर ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम हिज नेम इज़. तो इसमें बात की जा रही है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है, और ये योजना क्या है, ये योजना है आपकी युवा सहकारी उद्यम समर्थन और अभिनव योजना. इसका हिंदी मीनिंग यही है, युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम जो है ये ये हुआ है आपका राधा मोहन सिंह जी के द्वारा, श्री राधा मोहन सिंह जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है. इनका इसके पीछे एम यही था कि जितने भी वो सहकारी क्षेत्र है, फील्ड है, वहाँ जितने भी स्टार्टअप होंगी उन्हें वो बहुत ही कम, मतलब बहुत सस्ता लोन प्रोवाइड करवाएंगे. तो ये चीज़ें बस ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ कॉइन टू कॉमरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टिंग द ट्राई कलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान निकोबार आइसलैंड. इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने ये बात कही है ना कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है कि वो रिलीज़ करने वाली हैं कितने रुपए की वो जो सिक्के हैं वो सिक्के एक रिलीज़ करेंगी जो हम 75th एनिवर्सरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें जो तिरंगा लहराया जाएगा तो उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 75 रुपीज़ का सिक्का होगा. तो बस इतनी सी चीज़ें याद रखना है कि वित्त मंत्रालय ने ही ये कहा है कि देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में पहली बार ट्राई कलर होस्टिंग की 75वीं वर्षगांठ को ये मनाएंगे, जिसमें वो 75 रुपये के सिक्के को जारी करने की इन्होंने अधिसूचना दे दी थी, ठीक है. सिक्के के बारे में बात करूँ तो ये 75 ग्राम का है, इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है. ये कुछ सिक्के का आप ये कह सकते हो डिटेल है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये हो कितने का रहा है, वो हो रहा है आपका 75 रुपीज़ का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टाइटल वर्क एनर्जी आउटलुक विच कंट्री वर्ल्ड सरपास यूएस एज द सेकेंड बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पावर सेक्टर इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना. देखिए इस क्वेश्चन में यही बात कर रही है कि बिजली के क्षेत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जक था ना, तो इसमें चीन तो नंबर वन पे है ही, उसके अलावा जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है उन्होंने अपनी एक सूचना जारी की है, अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, और इसके तहत वो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसने चीन के बाद दुनिया में बिजली क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में अमेरिका को पछाड़ दिया है. तो ये है हमारी इंडिया, योर ऑप्शन इज ए, इंडिया ए, ठीक है. तो उन्होंने यही की है, भारत की जो बढ़ती ऊर्जा की मांग है इसका कारण ये हुआ है कि इंडिया दूसरे नंबर पर चला गया है, ठीक है. On which date Vigilance Awareness Week was observed by Indian Army regarding the maintaining core value of honesty and integrity in the organization?
देखिए, हमारे जो इंडियन आर्मी है उनके द्वारा ही बोला जा रहा है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो सेलिब्रेट की गई है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये कब से कब तक की गई थी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्यों किया गया है, उन्होंने ये वीक को सेलिब्रेट इसलिए किया कि संगठन में ईमानदारी और अखंडता के मूल मूल्यों को बनाए रखने के संबंध में भारतीय सेना ने इसे 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस डे को इन्होंने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एज अ पार्टनर कंट्री फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। इस क्वेश्चन में बात कर रही है कि फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो कि जनवरी में होगी, जनवरी 2019 में, तो इसका पार्टनर कंट्री कौन होगा? इसका पार्टनर कंट्री होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज़ UAE। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल अपॉइंटेड टू होम एज इट्स इंडिया ऑपरेशन हेड। मतलब एप्पल के द्वारा वो अपने इंडिया के जो ऑपरेशन हेड होंगे वो किसे नियुक्त कर रहे हैं? तो ये है आशीष चौधरी। तो एप्पल के हमारे इंडिया के तरफ से जो ऑपरेशन हेड है उनका नाम होगा आशीष चौधरी। नेक्स्ट वन, चाइना हैज़ इन्वॉल्व विच कंट्री एज अ डिजिटल पार्टनर एज अ पार्ट ऑफ बीजिंग ड्राइव टू साइबर कनेक्ट विथ यूरोसिया। तो चाइना जो इस क्वेश्चन में यही है कि चाइना ये जो डिजिटल पार्टनर होगी, डिजिटल पार्टनर के लिए इसने किस देश को चुना है साइबर कनेक्ट की जो ड्राइव होगी उसके लिए? तो ये हमारी इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉज द अपॉइंटेड द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। बोला जा रहा है कि नाइजीरिया गणराज्य के लिए हमारे इंडिया से नेक्स्ट हाई कमिश्नर जो है इंडिया से वो कौन होंगे? इनका नाम है अभय ठाकुर, नाइजीरिया के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी साइन MOU फॉर स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल एट पदूर अंडरग्राउंड फैसिलिटी इन विच स्टेट। देखिए, इस क्वेश्चन में यही बात की जा रही है कि ये जो पदूर अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वो जो क्रूड ऑयल होती है ना उसके स्टोरेज को लेकर इन दोनों के बीच में एक समझौता किया गया है। किसके किसके बीच में? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में। तो ये जो है ये किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ये कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हु इज़ द इंडियन ई कॉमर्स जायंट ग्रुप रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। तो उनका क्या नाम है? ये फ्लिपकार्ट के CEO है जिन्होंने जो इंडिया के ई कॉमर्स की जो जायंट ग्रुप है वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है बिन्नी बंसल। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, बिन्नी बंसल। CEO एंड MD ऑफ अशोक लीलैंड अनाउंस इट्स रेजिग्नेशन फ्रॉम द कंपनी इज नेम इज़। देखिए, अशोक लीलैंड के भी जो CEO एंड MD हैं उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है विनोद दसारी, जो कि अभी तक अशोक लीलैंड के CEO एंड MD थे पर अब नहीं है, अब इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इज लेटेस्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट GSAT-29। देखिए, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, GSAT-29। तो GSAT-29 जो है हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो याद रख लेनी है। और ये जो हैदराबाद में, सॉरी, आंध्र प्रदेश में जो श्री हरिकोटा है ना, वहाँ के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है GSLV Mark 3 के हेल्प से। तो अभी तक ये है ना कि GSLV Mark 3 जो है ये दूसरी सफल विकास उड़ान थी जिसे इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है। तो याद रखिए, इसरो के द्वारा हुआ है GSAT-29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडियन फास्ट बॉलर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इज नेम इज। देखिए, इंडिया के ये बहुत ही फास्ट बॉलर रहे हैं अब तक के, उन्होंने ये कह दिया है कि वो क्रिकेट के जितने भी फॉर्म है वो सबसे रिटायरमेंट ले रहे हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है मुनाफ पटेल। योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री कंक्लूड फर्स्ट धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ये किन दो देशों के बीच में होती है? एक तो हमारी इंडिया है, दूसरी जापान है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ये धर्म गार्जियन है ये किन दो देशों से रिलेटेड है? तो ये याद रखना है कि एक तो इंडिया है और एक जापान। तो योर ऑप्शन इज ए। द इंडिया रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग एट हाउ मेनी बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री बाई एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत तक इंडिया रेलवे ने ये डिसाइड कर लिया है ये कि ये 100 फीट लंबे तिरंगे झंडे जो हैं
वो इंस्टॉल करवा देंगी, जितनी भी बीजीएस रेलवे स्टेशन होती हैं, तो वो कितनी है, संख्या कितनी है उनकी, तो ये 75 है। 75 रेलवे स्टेशन्स में इन्होंने कहा है कि वो झंडे लगवाएंगी, 100 फीट लंबे नेशनल फ्लैग्स वहाँ लगेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन टू रन ऑन द रामायण सर्किट टू कवर मेजर स्पोर्ट रिलेटेड टू द हिंदू एपिक वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम सफदरजंग रेलवे स्टेशन इन दिल्ली नेम्ड एज। ये जो मैंने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण एक्सप्रेस स्टार्ट कर दी गई है, श्री रामायण एक्सप्रेस स्टार्ट की गई है। ये राम जी से जुड़े जितने भी उनके जन्म स्थान से लेकर जितनी भी उनकी जीवनी की जो स्थल है, वो वहाँ वहाँ इस ट्रेन के द्वारा आप यात्रा कर सकते हो। इसमें 800 तक की इसमें कैपेसिटी है कि 800 पैसेंजर इसमें चढ़ सकती हैं। और ये जो है, अभी अभी तो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई गई, तो ये नेक्स्ट स्टेशन जो इसकी है, ये अयोध्या पे रुकने वाली है। ये सारी चीज़ें रामायण एक्सप्रेस के बारे में, तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, वो कौन सा एक्सप्रेस है, तो ये है श्री रामायण एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे 16 नवंबर के। एंड अगर इसके हिंदी में आपको पूरे टोटल क्वेश्चंस चाहिए, इसके भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, जिसमें हिंदी में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हिंदी में सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इजीली वहां से पढ़ सकते हो। और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।